भिवंडी शहर में बहुचर्चित व नामवंत शारदा एजुकेशन सोसाइटी अंतर्गत चलने वाले पद्मनगर स्थित विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल में बड़े धूमधाम से मनाया गया गोकुलाष्टमी व दही हंडी का उत्सव। बता दें कि पद्मनगर स्थित विवेकानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल के जूनियर केजी, सीनियर केजी व फर्स्ट के छोटे बच्चों ने दही हंडी के त्यौहार पर, विद्यार्थियों के पालकों ने गोकुलाष्टमी के त्यौहार पर रंग बिरंगी आकर्षक ड्रेस व कृष्णा और राधा के वेशभूषा में लेकर आए और स्कूल मैनेजमेंट व शिक्षकों द्वारा आयोजित किया गया इस गोकुलाष्टमी में शामिल हुए। इसका उद्घाटन विवेकानंद स्कूल के उपाध्यक्ष मंचिकटला वेंकटेशम के शुभ हाथों से कार्यक्रम शुरू किया गया। इस अवसर पर विवेकानंद स्कूल के खजिनदार कुंडा नरेश, प्रिंसिपल जयश्री मैडम और कई शिक्षक व पालक उपस्थित रहकर बच्चों के साथ माता पिताएं भी गोकुलाष्टमी मनाया है। चलिए देखते इस गोकुलाष्टमी के त्यौहार पर बच्चों व पालक व शिक्षकों द्वारा किस तरह मनाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से हैप्पी ऑन बिहाफ ऑफ विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल, हैप्पी जन्माष्टमी। वी आर सेलिब्रेटिंग एवरी ईयर जन्माष्टमी फेस्टिवल इन आवर स्कूल। सो नर्सरी एंड प्री प्राइमरी सेक्शन, वो सेक्शन वी आर सेलिब्रेटिंग टूगेदर। सो गर्ल्स आर बिकमिंग, they are wearing dress costume of Radha and boys were wearing the costume of Krishna. So everybody we are giving chance to become a Radha and Krishna. And also we are tying the three types of dayandi. One dayandi is we are adding in yogurt and in one flower and in another chocolate. Children were very happily, they are enjoying this festival. If the children were laughing, they are happy, then we also become happy. That's why we are taking curricular and co-curricular both. If the students, how is the importance of studies? We have to give importance to festivals, culture. जैसा कि मैं बोलना चाहती हूँ कि हम बच्चों को संस्कार देते हैं, वी आर इंडियन, तो भी हम बच्चों को स्टडी के साथ जो हमारा कल्चर है, जो संस्कार है, तो दोनों हम इक्वली उनको बताना चाहते हैं ताकि उनको सब फेस्टिवल्स के बारे में नॉलेज हो और वो फेस्टिवल कैसे मनाया जाते हैं। ए टू जेड वी आर गिविंग देम नॉलेज। तो वो फेस्टिवल दही हंडी बांधते हैं, हम बच्चे ज़्यादातर इंजॉय करते हैं दही हंडी के साथ। बच्चे, हर एक बच्चे को हम मौका देते हैं, ऐसा नहीं कि हम एक बच्चे को मौका दिए, हर एक बच्चे को हंडी फोड़ने का मौका दिए और एट लास्ट वी आर ब्रेकिंग द हंडी। सो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे हम मैसेज दे रहे बच्चों को कि जैसा स्टडीज इम्पोर्टेंट है वैसा उनको हैप्पी जो एक्टिविटीज जो कंडक्ट करते हैं, तो वो सभी बच्चों को सेम इक्वल है, इक्वली हमें मैनेज करना चाहिए। इसके लिए सब फेस्टिवल्स हम सेलिब्रेट करते हैं स्कूल में। प्रोग्राम में हम लोग टोटल 300 स्टूडेंट्स को हम पार्टिसिपेट कराएं, तो 300 स्टूडेंट्स भी सेम पार्टिसिपेशन हो गया, हमें उनके पेरेंट्स का भी हमें सेम पार्टिसिपेशन मिला, पेरेंट्स भी उतना इंजॉय किए, पेरेंट्स को भी हमने यहाँ पे शामिल किए ये प्रोग्राम में। तो जो यहाँ के हमारे जो पेरेंट्स हैं बहुत कॉपरेट हुए, जैसा कि हमें आज का फेस्टिवल जो हम सेलिब्रेट किए इसका पीछे पेरेंट्स का कॉपरेशन है। अगर पेरेंट्स हमें कॉपरेट नहीं करते, लोग कॉस्ट्यूम नहीं पहना के भेजते, बच्चों को तैयार नहीं करते, तो बच्चे भी नहीं इतना इंजॉय करते। तो जितना हमें बच्चों का सपोर्ट मिलता है उतना ही पेरेंट्स का भी सपोर्ट है, इसलिए पेरेंट्स के लिए मैं तहे दिल से कहती हूँ थैंक यू। सभी को मेरे विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के पद्मनगर भिवंडी तरफ से, मेरे तरफ से हैप्पी जन्माष्टमी। गुड आफ्टरनून वन एंड ऑल, टुडे वी आर हियर टू सेलिब्रेट जन्माष्टमी इन विवेकानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल एवरी ईयर। जन्माष्टमी इज अ फेस्टिवल टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ लॉर्ड ऑफ कृष्णा एंड जन्माष्टमी इज ऑल्सो पार्ट कृष्ण जन्माष्टमी एंड गोकुलाष्टमी।
It is one of the major festival of Hindus and the special signification. Dahiyandi is the main part of Janmashtami celebration and practiced in all over India. On this day, Lord Krishna born to protect the world from evils and remove all the difficulties. Thank you. तो विवेकानंद अच्छा विवेकानंद स्कूल में जो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एक्टिविटीज होता है तो आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है, एक्टिविटीज बहुत अच्छी है। और स्टूडेंट्स को या पेरेंट्स को कुछ कहना चाहते हैं या मैनेजमेंट को वगैरह? थैंक यू इतना फ्रेंडली माहौल देने के लिए कि मेरा बच्चा तो फर्स्ट डे ऑफ स्कूल से ही नहीं रोया है। इससे ज्यादा और क्या कॉम्प्लीमेंट हो सकता है कि बच्चा स्कूल में हंसते हुए जाए और हंसते हुए स्कूल आए और हंसते हुए स्कूल से घर जाए, सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट है। इससे ज्यादा क्या बोले। और गोकुल अष्टमी के अवसर पर शुभेच्छा वगैरह देना चाहते हैं? बहुत ब्लेसिंग सबको, बहुत बहुत बधाई हो, थैंक यू इतना अच्छा सेलिब्रेशन करने के लिए। के बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में जो एक्टिविटीज रहा उसके बारे में बताएंगे, आपको कैसे लग रहा है? बहुत अच्छे लगते हैं। एडमिशन होने के बाद बच्चे लोगों को एक्टिविटीज कराना, बच्चों को गाइडेंस वगैरह पढ़ाना और जो भी है अपना फेस्टिवल्स इनको समझने के लिए, इनको सब ड्रेसिंग वगैरह इनको समझने के लिए बहुत कुछ करवाते हैं इनको। और ये स्कूल में आने के बाद बहुत अच्छा लगता है, सब फेस्टिवल भी अच्छा मनाते हैं। स्कूल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा मैनेज करते हैं, फिर सब बच्चे लोगों को मैनेज करना इतना इम्पॉसिबल है कि सब बच्चे एक बच्चे को ही अपने ऐसे करते हैं, तो सब बच्चे लोगों को इनको मेंटेनेंस करना और उनको पढ़ाना सिखाना जाता है। अच्छा क्या कहना चाहते हैं स्कूल के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, जो त्यौहार हो रहा है उसके बारे में? अच्छा लग रहा है। स्कूल के टीचरों के बारे में या मैनेजमेंट के बारे में, स्कूल के बारे में? चांदी।